अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, हमारे चैनल में आपको खुशामदीद। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन का लेक्चर नंबर 3। इसमें हम कैबिनेट को डिस्कस करेंगे। वीडियो स्टार्ट होने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारा काम पसंद आ रहा है, हमारी वीडियोस आपको हेल्प कर रही हैं, तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। आइए अब हम अपने टॉपिक के ऊपर चलते हैं जिसको आज हमने सीखना है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ब्रिटिश कैबिनेट, इसका इंट्रोडक्शन, एवोल्यूशन, कैबिनेट एंड द प्राइवी काउंसिल का क्या ताल्लुक था और अब प्राइवी काउंसिल की क्या वैल्यू है और ये क्यों सर्वाइव कर रही है, कैबिनेट एंड मिनिस्ट्री यानी कि इन दोनों की टर्म्स में जो बाज़ दफ़ा देखा जाए तो एक दूसरे की जगह पे यूज़ हो जाती हैं, बाज़ दफ़ा कैबिनेट को मिनिस्ट्री की जगह पे यूज़ कर लेते हैं, मिनिस्ट्री को कैबिनेट की जगह पर, लेकिन इनके दरमियान जो सही डिफरेंस है उसको हम डिस्कस करेंगे। फीचर्स ऑफ द कैबिनेट सिस्टम, फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट की, और फिर उसके बाद कैबिनेट एट वर्क, कैबिनेट का कैसे काम करती है, रोल ऑफ द कैबिनेट, डिक्टेटरशिप ऑफ द कैबिनेट, द प्राइम मिनिस्टर और कंक्लूजन। इंट्रोडक्शन में हम ये कह सकते हैं कि जो यूके की कैबिनेट है वो ना सिर्फ देखा जाए उसके पास रियल एग्जीक्यूटिव पावर है, बल्कि वो डिसीजन मेकिंग में भी की पावर भी इंजॉय करती है और एडमिनिस्ट्रेटिव जो मैटर्स हैं उनके में भी अपना रोल परफॉर्म करती है। अगर हम थियोरेटिकली देखें तो जो कैबिनेट है वो पार्लियामेंट की एक कमेटी है, लेकिन अगर हम प्रैक्टिस में देखें तो ये इसके पास तकरीबन डिक्टोरियल पावर्स हैं। इसके बारे में जो सर जॉन मैरियट थे उन्होंने कहा था कि कैबिनेट के गिर्द सारी की सारी जो स्टेट की मशीनरी है वो रिवॉल्व करती है। कैबिनेट जो होती है वो मुख्तलिफ जो मिनिस्टर्स होते हैं जिनके पास पोर्टफोलियो या मतलब कि इम्पोर्टेंट मिनिस्ट्रीज़ होती हैं उन पर मुश्तमिल होती है। कैबिनेट उस वक्त तक पावर में रहती है जब तक उसे पार्लियामेंट की सपोर्ट हासिल होती है, या उसे कमांड ऑफ कॉन्फिडेंस होता है, या उसे कॉन्फिडेंस पार्लियामेंट का कॉन्फिडेंस जो होता है वो उसे मिलता रहता है। उसके अगर उसे पार्लियामेंट की सपोर्ट ना मिले तो उसे रिज़ाइन करना पड़ता है। ये था हमारा इंट्रोडक्शन। अब हम चलते हैं एवोल्यूशन के ऊपर। कैबिनेट दूसरे तमाम इंग्लिश इंस्टीट्यूशंस की तरह उसकी एवोल्यूशनरी ग्रोथ हुई है। अगर हम अर्ली पीरियड में चले जाएं तो हमें नज़र आता है कि ये सिर्फ क्या थी, एक प्राइवेट काउंसिल की ब्रांच थी, लेकिन स्टुअर्ट डायनेस्टी में प्राइवेट काउंसिल का क्योंकि साइज़ बढ़ता गया, मुख्तलिफ लोग ऐड होते गए, तो उसका जो रोल था वो इफ़ेक्टिव नहीं रहा, तो उसको इनफेक्टिव इसके यानी कि प्राइवेट काउंसिल के इनफेक्टिव रोल की वजह से कि एक जो प्राइवेट काउंसिल की एक ब्रांच है वो उभरना शुरू हुई जिसे कैबल कहते हैं। इसी वजह से हम ये कह सकते हैं कि ये जो सफ़र था प्राइवेट काउंसिल टू कैबिनेट इसका बड़ा इम्पोर्टेंट रोल था। ये जो था इसमें यानी कि देखा जाए जब ये कैबल बन गई तो कैबल के बाद क्या हुआ तो इसमें मुख्तलिफ जो मिनिस्टर्स वगैरह थे प्राइवेट काउंसिल से मोनार्क जो था वो नॉमिनेट करता था कैबिनेट में। इन मिनिस्टर का फंक्शन क्या था कि ये एक रूलर को असिस्ट करते थे डे टू डे जो एडमिनिस्ट्रेशन वर्क थे और उसे एडवाइस करते थे पॉलिसी मेकिंग वगैरह में। फिर हम चलते हैं पीरियड ऑफ जॉर्ज वन में। ये एक देखा जाए तो एक लगता तो इंस्टीट्यूशन छोटा यानी कि ये जो है इंसिडेंट छोटा सा लगता है, लेकिन इसका बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत बड़ा रोल हुआ है ब्रिटिश हिस्ट्री में और कैबिनेट के कैबिनेट के जो कह सकते हैं कि कैबिनेट मीटिंग के हवाले से कि इसका अगर हम देखें यानी कि किस तरीके से मोनार्क जो है वो कैबिनेट से सेपरेट हुआ है। सेपरेट से मुराद ये है कि वो जो है वो कैबिनेट की मीटिंग को प्रिजाइड नहीं कर सकता। ये इस तरह हुआ है कि जॉर्ज वन के पीरियड में क्योंकि वो जर्मन प्रिंस थे उन्हें इंग्लिश समझ नहीं आती थी तो इन्होंने कैबिनेट मीटिंग अटेंड करना छोड़ दी। उसकी वजह से क्या हुआ कि एक नई लीडरशिप की एमरजेंस का रास्ता मिला कैबिनेट रैंक में, जो उनमें से सीनियर मिनिस्टर्स थे उन्होंने कैबिनेट मीटिंग प्रिजाइड करना शुरू कर दिया।
क्या, और किंग को जो इम्पोर्टेंट डिसीजंस होते थे वो इन्फॉर्म, उसके बारे में इन्फॉर्म करना शुरू कर दिया। अब इससे क्या हुआ, यानी कि जब मुख्तलिफ सीनियर मिनिस्टर ने जब कैबिनेट को प्रिसाइड करना शुरू कर दिया, और प्रिसाइड करने के बाद किंग को इन्फॉर्म करना शुरू कर दिया, तो इससे एक नए ऑफिस की इमरजेंस हुई, जिसे हम ऑफिस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर कहते हैं। इसमें देखा जाए, सर रॉबर्ट वॉलपोल जो थे वो कैबिनेट के पहले प्राइम मिनिस्टर थे, और उन्हें रिज़ाइन करना पड़ा जब उन्हें पार्लियामेंट की सपोर्ट हासिल नहीं हुई। इस तरीके से एक ये कन्वेंशन बन गई कि प्राइम मिनिस्टर उसी वक्त तक गवर्नमेंट में रहेंगे जब तक उन्हें पार्लियामेंट की सपोर्ट हासिल होगी, या वोट यानी कि उन्हें कॉन्फिडेंस हासिल होगा। जब उन्हें कॉन्फिडेंस हासिल नहीं होगा पार्लियामेंट का, तो उन्हें रिज़ाइन करना पड़ेगा। ये था एवोल्यूशनरी ग्रोथ। इसमें हमने डिस्कस किया क्या प्राइवी काउंसिल टू कैबिनेट, पीरियड ऑफ जॉर्ज वन, जिन्होंने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल परफॉर्म किया कैबिनेट के कैबिनेट और इमरजेंस ऑफ द ऑफिस ऑफ प्राइम मिनिस्टर में। अब हम चलते हैं कैबिनेट एंड द प्राइवी काउंसिल में। कैबिनेट का हम पहले ही देखा जाए डिस्कस कर चुके हैं कैबिनेट का, कि जो ये प्राइवी काउंसिल की ब्रांच थी, लेकिन जैसे ही कैबिनेट एज सेपरेट एंटिटी उभरी है, तो इसके साथ प्राइवी काउंसिल जो है वो बैकग्राउंड में चली गई, और कैबिनेट की जो अहमियत है उसमें इजाफा होता गया, और हत्ता कि ये एग्जैक्टिव वो ब्रांच रियल एग्जैक्टिव ब्रांच बन गई। अब हम चलते हैं प्राइवी काउंसिल के मेंबरशिप के ऊपर। इसका हम इसके साथ हम बताएंगे कि इस ये किस तरीके से कैबिनेट से डिफरेंट है। प्राइवी काउंसिल के जो मेंबर्स हैं वो तकरीबन 300 अफराद पर मुश्तमिल होते हैं। इसमें आर्च बिशप्स होते हैं, वो आर्च बिशप्स ऑफ कैंटरबरी एंड यॉर्क होते हैं, और दूसरे प्रोमिनेंट फिगर्स होते हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट्स हासिल की होती हैं। इसमें तमाम कैबिनेट रैंक के मिनिस्टर्स होते हैं, कि प्राइवी काउंसिल में एक्स मिनिस्टर्स होते हैं, स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ द कॉमन्स होते हैं, और इसके जो है उनको उनको लाइफ टाइम मेम्बरशिप मिली होती है। इसमें क्वीन जो होती है किसी भी मेंबर को रिमूव कर सकती हैं इस काउंसिल से, थ्रू किसके ज़रिए इशू करती हैं ऑर्डर इन काउंसिल, यानी कि ऑर्डर इन काउंसिल इशू करके वो किसी भी मिनिस्टर्स को इस प्राइवी काउंसिल से फारिग कर सकती हैं। प्राइवी काउंसिल के मेंबर्स को जो है जिस लकब से पुकारा जाता है वो है राइट ऑनरेबल। अब इसके बरक्स अगर हम कैबिनेट में चलते हैं, तो कैबिनेट के मेंबर्स की तादाद बहुत कम होती है, यानी कि 300 के बरक्स इसकी तादाद 15 से 20 मिनिस्टर्स पर मुश्तमिल होती है, जिनके पास इम्पोर्टेंट मिनिस्ट्रीज होती हैं। कैबिनेट के मिनिस्टर्स के पास इम्पोर्टेंट मिनिस्ट्रीज होती हैं जिन्हें पोर्टफोलियो कहा जाता है। इनके ये देखा जाए कैबिनेट उसी वक्त तक पावर में रह सकती है जब तक इसे एक पार्लियामेंट मेजोरिटी का कॉन्फिडेंस हासिल हो। अब देखा जाए जितने भी मिनिस्टर होते हैं प्राइवी काउंसिल के मेंबर्स होते हैं, लेकिन प्राइवी काउंसिल के जितने मेंबर्स हैं वो प्राइम देखा जाए कैबिनेट के मेंबर नहीं होते। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इन दोनों के दरम्यान डिफरेंसेस डिफरेंस या डिफरेंशिएट करने का, बताने का। फिर इसके बाद हम चलते हैं मीटिंग्स के ऊपर। मीटिंग्स प्राइवेट काउंसिल की मीटिंग्स कभी कभार ही होती हैं, क्योंकि अब इसकी पावर जो है और जो फंक्शंस है वो कैबिनेट के पास चले गए हैं। जो टोटल मेंबर्स हैं कैबिनेट के वो कभी कोई स्पेशल ओकेजंस के ऊपर ही मिलते हैं, ताहम लेकिन इनकी जो रेगुलर मीटिंग्स हैं वो होती हैं, और उसमें जो देखा जाए 4 या 5 मेंबर्स से ज़्यादा शामिल नहीं होते हैं। इनकी मीटिंग्स जो होती हैं ये बकिंघम पैलेस में होती हैं। क्वीन जो होती है इनको इस मीटिंग्स की को प्रिसाइड करती हैं। फिर इसके बाद आ जाते हैं पावर एंड फंक्शंस। यानी कि देखा जाए पार्लियामेंट्री सिस्टम के साथ साथ जो है प्राइवेट काउंसिल अपनी सिग्निफिकेंस और वैल्यू जो है वो एक किस्म से खो चुकी है। अब वो सिर्फ सेरेमोनियल फंक्शन ही
परफॉर्म करती है। लेकिन इसमें जो सबसे अहम बात यह है कि इसकी जो जुडिशियल कमेटी है वो बहुत एक्टिव है, आज भी एक्टिव है। और एक और ख़ास बात जो है प्राइवी काउंसिल की, वो ये है कि तमाम जितने मिनिस्टर्स और पब्लिक ऑफिशियल्स होते हैं वो जो ओथ लेते हैं यानी कि जो हल्फ उठाते हैं प्राइवी काउंसिल्स से ही हल्फ उठाते हैं अपना। और जितने भी डिस्क्रिशनरी पावर्स ऑफ मोनार्की हैं उसके बारे में जो है जो इम्पोर्टेंट डिसीजन होते हैं वो प्राइवी काउंसिल में ही लिए जाते हैं। इसकी वजह से भी ये आज अब हमें इसका थोड़ा बहुत यानी कि रोल नज़र आता है। इसके अलावा ये मुख्तलिफ किस्म के ऑर्डर्स ऑफ काउंसिल पास करती है, इन ऑर्डर्स की तादाद ऑफ काउंसिल की तादाद देखा जाए वक्त के साथ साथ बढ़ती गई है। प्राइवेट काउंसिल की बहुत सारी दूसरी कमेटीज़ वगैरह भी होती हैं जुडिशियल कमेटी के अलावा, वो मैं आपको बता देता हूँ। कमेटी ऑन एग्रीकल्चर रिसर्च होगी, कमेटी ऑन मेडिकल रिसर्च होगी, कमेटी ऑन साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च होगी। तो ये हमारा हुआ एक किस्म का इसमें हमें पता चला कि कैबिनेट के और प्राइवेट काउंसिल में फ़र्क क्या होता है, इनकी मेंबरशिप में क्या फ़र्क होता है, इनकी मीटिंग में क्या फ़र्क होता है, और पावर और इनके पावर ऑफ फंक्शंस क्या होते हैं। अब हम चलते हैं कैबिनेट एंड मिनिस्ट्री की तरफ। ये एक आम गलती हम करते हैं कि हम कैबिनेट और मिनिस्टर्स को एक ही सेंस में समझते हैं। देखा जाए इनकी इम्पोर्टेंस, ऑर्गेनाइजेशंस और ड्यूटीज जो होती हैं वो मुख्तलिफ होती हैं। अब हम चलते हैं इनकी डिफरेंस इन ऑर्गेनाइजेशन में। अगर हम देखें जो मिनिस्ट्री जो टर्म है वो एक चाहे इन कंपोजिशन हो चाहे अपने रोल में हो वो एक वाइडर टर्म है एज़ कम्पेयर टू द कैबिनेट। वो किस तरीके से मिनिस्ट्रीज में जितने भी पॉलिटिकल सर्वेंट्स ऑफ द क्राउन हैं जो भी यानी कि मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट्स हैं वो सारे के सारे मिनिस्ट्री के अंदर ही आते हैं। जबकि कैबिनेट जो होता है कैबिनेट एक स्मॉल काउंसिल होती है जिसमें जो मिनिस्टर्स होते हैं जिनके पास पोर्टफोलियोस यानी कि इम्पोर्टेंट डिफरेंट पोर्टफोलियोस होते हैं वो और वो जो प्राइम मिनिस्टर को असिस्ट करते हैं गवर्नमेंट में वो सारे के सारे आ जाते हैं कैबिनेट में। अब हमने देखा जाए तकरीबन चार किस्म के ऑफिस पेरियड्स होते हैं मिनिस्ट्री के, जिसको यानी कि मिनिस्ट्री को चार हिस्सों में या देखा जाए चार पार्ट्स में तकसीम किया गया है। वो दर्जेल हैं। जितने भी कैबिनेट रैंक मिनिस्टर्स होते हैं यानी कि जो कैबिनेट में भी जो कैबिनेट के में कैबिनेट के जो हिस्सा होते हैं वो भी मिनिस्टर्स होते हैं, लेकिन उन्हें क्या कहा जाता है, फर्स्ट रैंक मिनिस्टर्स। उन्हें फर्स्ट रैंक मिनिस्टर्स क्यों कहा जाता है, क्योंकि उनके पास जो इम्पोर्टेंट मिनिस्ट्रीज होती हैं, फॉर एग्जांपल मिनिस्ट्री ऑफ एक्सचेकर यानी कि फाइनेंस की मिनिस्ट्री होगी जिसके बगैर कोई भी कंट्री यानी कि नहीं चल सकता, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन यानी कि पूरी की पूरी जो कंट्री के अंदर जो एजुकेशन का सिस्टम है वो चलेगा, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट देखा जाए मिनिस्ट्री है। फिर उसके बाद सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस यानी कि जिसको हम कहते हैं मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट होगी, स्टेट डिफेंस होगी यानी कि जितने भी डिफेंस से रिलेटेड इश्यूज़ हैं ये उनसे डील करती है। और इसके अलावा फॉरेन अफेयर्स की मिनिस्ट्री होगी जिसमें कंट्री टू कंट्री रिलेशनशिप और दूसरे जो इंटरनेशनल रिलेशंस के इश्यूज वगैरह हैं और जो दूसरे कंट्रीज़ के साथ ताल्लुकात हो गए और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ ताल्लुकात हो गए, ये सारे के सारे इसी से डील करते हैं। अगर हम देखें तो इसके अलावा भी कुछ कैबिनेट रैंक मिनिस्टर्स होते हैं, लेकिन वो रेगुलर बेसिस के ऊपर कैबिनेट की मीटिंग्स अटेंड नहीं करते, और लेकिन इन्हें स्पेशल ओकेजंस के ऊपर, स्पेशल मीटिंग्स के ऊपर स्पेशल इनविटेशन दे के बुलाया जाता है। ये था हमारे फर्स्ट रैंक मिनिस्टर्स यानी कैबिनेट रैंक मिनिस्टर्स। उसके बाद आ जाते हैं सेकंड कैटेगरी ऑफ मिनिस्टर्स के ऊपर। इनके पास यानी कि कोई भी हेड ऑफ डिपार्टमेंट वो है इनके पास कोई भी डिपार्टमेंट नहीं होते यानी कि किसी भी डिपार्टमेंट की हेड नहीं होते, जैसे कि लॉर्ड प्रेसिडेंट ऑफ काउंसिल और लॉर्ड प्राइवी सील हो गए। लेकिन
यानी कि हम कह सकते हैं ये कोई भी डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज इनके ऊपर नहीं होती, ये हमारा दूसरे हो गए सेकंड रैंक मिनिस्टर्स हो गए। अब हम चलते हैं थर्ड रैंक मिनिस्टर्स के ऊपर। थर्ड रैंक जो मिनिस्टर्स होते हैं वो होते हैं अंडर सेक्रेटरीज, यानी कि ये डिफरेंट होते हैं सिविल सर्वेंट से। इसे हम कह सकते हैं कि ये डिप्टी मिनिस्टर्स होते हैं, यानी कि ऐसे डिपार्टमेंट्स वगैरह जहाँ पे इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं, तो ये जो मिनिस्टर्स को असिस्ट करने के लिए डिप्टी मिनिस्टर्स वगैरह लगाए जाते हैं, इन्हें हम कहते हैं थर्ड कैटेगरी मिनिस्टर्स। अब हम चलते हैं फोर्थ कैटेगरी मिनिस्टर्स। फोर्थ कैटेगरी मिनिस्टर विप्स के ऊपर मुश्तमिल होती है, पार्टी रूलिंग के जो विप्स होते हैं। इनका क्या काम होता है कि ये यानी कि हाउस में, हाउस ऑफ कॉमन में जो होता है पार्टी के जो डिसिप्लिन कायम रखने में अपना बड़ा इंपॉर्टेंट रोल परफॉर्म करते हैं, और इस सिलसिले में प्राइम मिनिस्टर को असिस्ट करते हैं। इसके अलावा एक और कैटेगरी है, ये जो कैटेगरी है इसमें हम कहते हैं वो मिनिस्टर्स होते हैं जो डिफरेंट वो ऑफिशियल्स होते हैं पैलेस के, ये एक्स्ट्रा कैटेगरी में हम कह सकते हैं, जैसे कि डिप्टी चैम्बरलेन हो गया। ये इनका जो ऑफिसेस होते हैं वो पॉलिटिकल नेचर के होते हैं और ये सिविल सर्वेंट से डिफरेंट होते हैं, इनका यानी कि रोल जो होता है। उसके बाद हम चलते हैं डिफरेंट इन फंक्शंस के ऊपर। डिफरेंट इन फंक्शंस में हम देखेंगे कैबिनेट और मिनिस्ट्री के फंक्शंस किस तरीके से एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। कैबिनेट जो है हम कह सकते हैं क्योंकि ये छोटे यानी कि 15 से 20 मिनिस्टर पर मुश्तमिल होती है, और ये इसको यानी कि पार्लियामेंट के कॉन्फिडेंस हासिल होता है, इस वजह से ये हासिल करना पड़ता है, इस वजह से ये एज ए टीम की तरह काम करती हैं। जितने भी इम्पोर्टेंट डिसीजन लिए जाते हैं वो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की बेस पर ही लिए जाते हैं। जितनी भी कैबिनेट जो होती है अपनी मीटिंग्स जो होती है वो रेगुलर बुलाती हैं, और इसके में इम्पोर्टेंट जो डिसीजन वो लिए जाते हैं। लेकिन जो मिनिस्टर्स होते हैं, दूसरी कैटेगरी के मिनिस्टर्स होते हैं, दूसरे मिनिस्टर्स होते हैं वो कैबिनेट मीटिंग्स अटेंड नहीं करते हैं, लेकिन अगर किसी स्पेशल डिपार्टमेंट के हिसाब से कोई मीटिंग बुलाई गई हो तो उस डिपार्टमेंट के जो मिनिस्टर को कैबिनेट में स्पेशल इनविटेशन दे के बुलाया जा सकता है। और जो नॉर्मल जो दूसरे मिनिस्टर्स हैं वो अकाउंटेबल कैबिनेट, अगर हम देखा जाए इसको पहले हम इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। कैबिनेट जो होती है आंसरेबल होती है वो पार्लियामेंट को, और जो मिनिस्टर्स होते हैं सेकंड थर्ड जो कैटेगरी के वो आंसरेबल होते हैं कैबिनेट रैंक मिनिस्टर्स को, यानी कैबिनेट को। और इस तरीके से इनका देखा जाए रोल जो होता है मिनिस्टर्स का वो पॉलिसी मेकिंग में नहीं होता, और जो भी वो इनका ज़्यादातर काम क्या होता है कि वो जो कैबिनेट जो पॉलिसी बनाती है इसको इम्प्लीमेंट करने में ये कैबिनेट इम्प्लीमेंट करती हैं, जो भी डिसीजन मेकिंग कैबिनेट करती है। इस तरीके से इनका रोल ज़्यादा से असिस्टेंस में होता है, ये इनका ज़्यादा रोल एक्टिव पॉलिसी मेकिंग में नहीं होता। फीचर्स ऑफ कैबिनेट सिस्टम, यानी कि कौन कौन से फीचर्स हैं जो कैबिनेट सिस्टम में होते हैं। इसमें सबसे पहले ज़रूरी होता है मेंबरशिप ऑफ द पार्लियामेंट। तमाम जो कैबिनेट मेंबर्स होते हैं उनके लिए ज़रूरी है कि वो हाउस ऑफ द कोई भी हाउस ऑफ द पार्लियामेंट के मेंबर्स हों। अगर किसी नॉन मेंबर को कैबिनेट का में शामिल कर लिया जाए तो इसके लिए ज़रूरी होता है कि वो 6 महीने के अंदर अंदर या तो उसे हाउस ऑफ लॉर्ड में से पीयर्स वगैरह बनाया जाए, पीयर बनाया जाए, या फिर उसे हाउस ऑफ कॉमन की से इलेक्ट करवाया जाए। इसके लिए ये किया जाता है कि कोई ऐसी सेफ कॉन्स्टिट्यूएंसी जहाँ से पता हो कि ये जो यानी कि पार्टी आसानी से जीत सकती है वहाँ से उसे इलेक्शन लड़वाया जाता है, और इस तरीके से वो उसे लेजिस्लेटर इस तरीके से वो हाउस ऑफ द कॉमन का पार्लियामेंट का मेंबर बन जाता है और कैबिनेट का परमानेंट मेंबर बन जाता है, जब तक उसे देखा जाए पार्लियामेंट की सपोर्ट हासिल होती है। पॉलिटिकल होमोजेनिटी, पॉलिटिकल होमोजेनिटी से मुराद ये है कि कैबिनेट को यानी कि एज ए टीम वर्क करने के लिए एक जहन होना बहुत ज़रूरी है, इनमें हम आगी होना ज़रूरी है। जहाँ पे भी
देखा जाए अगर एक गवर्नमेंट है उसकी कैबिनेट के गवर्नमेंट में कैबिनेट में मुख्य किस्म के इश्यूज हैं तो उनको मीटिंग के अंदर ही रिजॉल्व कर दिया जाता है, उन्हें पब्लिक में ले पब्लिक में यानी कि उनको आने नहीं दिया जाता कि उनके दरमियान उनके इश्यूज जो है उनको सीक्रेट ही रखा जाता है। लेकिन अगर हम देखते हैं कि जो कोलेशन गवर्नमेंट्स हैं वो ज़्यादा कामयाब नहीं रहती, उसकी बड़ी वजह ये है कि उनके जो पॉलिटिकल होमोजेनिटी नहीं होती है, और वो जो उसमें कैबिनेट के मेंबर्स हैं वो मुख्तलिफ पार्टीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, मुख्तलिफ इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी वजह से कोलेशन गवर्नमेंट ज़्यादा कामयाब नहीं रहती। फिर इसके बाद आता है कोऑर्डिनेशन बिटवीन डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ गवर्नमेंट। देखा जाए तो बहुत ज़्यादा क्लोज कॉपरेशन होता है कैबिनेट और पार्लियामेंट्री मेजोरिटी में, इसके बगैर यानी कि कैबिनेट जो है वो चल नहीं सकती। कैबिनेट ना सिर्फ देखा जाए पॉलिसी मेकिंग को कंट्रोल करती है बल्कि इसका एक तरीके से कह सकते हैं फर्म ग्रिप होती है किसके ऊपर, लेजिस्लेशन के ऊपर। जो इम्पोर्टेंट जो कन्वेंशंस हैं जो इसको सपोर्ट करते हैं वो ये हैं जो आपको बताते हैं, जिसकी वजह से इसकी फर्म ग्रिप हुई है और जिसकी वजह से कोऑर्डिनेशन बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ ब्रांचेस हुई है। एक तो ये है कि लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी इज इनवाइटेड बाय द गवर्नमेंट टू फॉर्म द कैबिनेट, यानी कि जो मेजोरिटी पार्टी का लीडर है उसे गवर्नमेंट बनाने की दावत दी जाती है क्वीन की तरफ से। उसकी वजह से क्या होता है कि जब क्वीन मेजोरिटी पार्टी के लीडर को दावत देती है तो उसे पार्लियामेंट में जो है अपने मेजोरिटी पार्टी की सपोर्ट हासिल होती है, इस तरीके से किसी भी किस्म की लेजिस्लेशन पास करवा सकते हैं। और दूसरा जो होता है कि एवरी मिनिस्टर इज सपोज टू बी ए मेंबर ऑफ द इधर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, यानी कि ये भी दूसरा पॉइंट जो है वो ये कि हर मिनिस्टर के लिए जरूरी होता है कि वो क्या हाउस ऑफ कॉमन या हाउस ऑफ लॉर्ड में से किसी एक का मेम्बर हो। इस तरीके से कैबिनेट जो है इन दोनों कन्वेंशंस की वजह से फर्म ग्रिप रखती है लेजिस्लेशन के ऊपर और एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी मेकिंग के ऊपर। क्वींस एक्सक्लूजन फ्रॉम द कैबिनेट, ये देखा जाए तो एक लॉन्ग स्टैंडिंग कन्वेंशंस यानी कि देखा जाए इन 1714 से ये कन्वेंशन डेवलप हो गई है कि मोनार्क जो होगा या किंग या क्वीन जो होगा वो कैबिनेट की मीटिंग को अटेंड नहीं करेगा, और ये जो मीटिंग है वो प्राइम मिनिस्टर प्रिसाइड करेगा, यानी कि प्राइम मिनिस्टर ही अटेंड करेगा, प्राइम मिनिस्टर ही लीड करेगा। देखा जाए तो मोनार्क और इसका साथ साथ प्राइम मिनिस्टर का जो रोल है वो ये होगा कि कैबिनेट में जो इम्पोर्टेंट डिसीजंस वगैरह जो के लिए गए हैं वो मोनार्क को या किंग या क्वीन को इन्फॉर्म करेगा, क्योंकि अब क्वीन जो है कैबिनेट की मीटिंग प्रिसाइड नहीं करती तो इसकी वजह से पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक कैबिनेट की जैसे कैबिनेट मीटिंग की जो पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किसको आंसरेबल हो गई, यानी कि कैबिनेट जो जितने भी डिसीजन लेगी क्योंकि क्वीन का तो इसमें रोल नहीं है तो इसकी वजह से जो भी फैसले लिए जाएंगे कैबिनेट में उसकी जो वो जो कैबिनेट जो रिस्पॉन्सिबल होगी वो पार्लियामेंट को होगी। अगर कैबिनेट की मीटिंग सॉवरन मोनार्क यानी किंग या क्वीन अटेंड करता तो इसकी वजह से शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जानी थी, और उसकी वजह से जो पार्लियामेंट्री सिस्टम का जो सिस्टम पूरा जो स्मूथली सिस्टम वर्क कर रहा है उसमें बहुत सारे डिस्टरबेंस पैदा हो जानी थी। लेकिन चूंकि अब कैबिनेट की मीटिंग्स में क्वीन का मीटिंग प्रिजाइड नहीं करती तो उसकी जो तो कैबिनेट जो होती है वो पार्लियामेंट को रिस्पॉन्सिबल है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। कैबिनेट जो होती है वो कलेक्टिव अकाउंटेबल की होती है पार्लियामेंट को। इसका मतलब यह है कि हर मिनिस्टर जो होता है जितने भी डिसीजन लिए जाते हैं कैबिनेट में वो रिस्पॉन्सिबल होता है कैबिनेट के मीटिंग्स के, और हर मिनिस्टर की जो होता है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब यह है कि कैबिनेट को अपनी पॉलिसीज को एज अ टीम हाउस ऑफ द कॉमन या हाउस ऑफ द लॉर्ड्स के जो फ्लोर है उसमें यानी कि ज़्यादातर हाउस ऑफ द कॉमन के फ्लोर के ऊपर उसे डिफेंड करना होता है। अगर फॉरेन मिनिस्टर
के ऊपर बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हो रहा है, तो ये सिर्फ फॉरेन मिनिस्टर का ही काम नहीं है कि उसे ने डिफेंड करे, बल्कि पूरी कैबिनेट और उसके कोलीग्स उसके मदद को आते हैं इस तरीके से। उसकी रीज़न ये है कि अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पड़ गया तो तमाम कैबिनेट जो है वो उसे रिज़ाइन करना पड़ेगा। इसकी वजह से इनके दरम्यान कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है और वो एज अ टीम की तरह मिलकर काम करते हैं। सीक्रेसी इन मीटिंग्स, कैबिनेट की जितनी भी मीटिंग्स होती हैं उन्हें सीक्रेट रखा जाता है। अगर कैबिनेट मेंबर्स के दरमियान कोई इख्तलाफात हों तो उन्हें लीक नहीं होने दिया जाता। उसकी वजह ये है कि ओपोजिशन जो होती है वो उस लीकेज से फ़ायदा उठा सकती है, और इसका एक देखा जाए तो नेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से भी नुकसान होता है कि टैक्सेशन पॉलिसी या जो पॉलिसी डिसीजंस वगैरह हैं वो अगर लीक हो जाएं तो उसकी वजह से नेशनल जो इंटरेस्ट है वो भी हर्ट होता है। असेंडेंसी ऑफ प्राइम मिनिस्टर, असेंडेंसी ऑफ प्राइम मिनिस्टर से मुराद ये है कि देखा जाए तो तमाम प्राइम मिनिस्टर्स जो मिनिस्टर्स होते हैं कैबिनेट के वो इक्वल होते हैं, लेकिन जो प्राइम मिनिस्टर्स होते हैं, जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं जो कि कैबिनेट मीटिंग प्रिसाइड करते हैं, उनका रोल बहुत ज़्यादा बहुत इम्पोर्टेंट होता है। उनका काम, उसका एक काम तो ये होता है कि वो जो बड़ा इम्पोर्टेंट रोल परफॉर्म करते हैं कि ताकि मिनिस्ट्री जो जो मिनिस्टर्स हैं वो अपने डिपार्टमेंट में बड़ा अच्छे तरीके से स्मूथली परफॉर्म कर सकें, उनको मुख्तलिफ इंस्ट्रक्शंस वगैरह दी जाती हैं। इसके अलावा जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं उनके दरमियान लिंक वगैरह बनाया जाता है ताकि कोऑर्डिनेशन हो ताकि उनके दरमियान, और उसके अलावा मुख्तलिफ लिस्ट वगैरह बनाई जाती हैं कि किसको कैबिनेट में शामिल करना है और किसको नहीं शामिल करना। और इसके एक और जो वजह है जिसकी वजह से प्राइम मिनिस्टर की बहुत ज़्यादा वैल्यू बढ़ गई है, यानी कि उनका रोल बहुत ज़्यादा बढ़ गया, वो ये है कि अगर प्राइम मिनिस्टर रिज़ाइन कर देते हैं तो पूरी कैबिनेट को रिज़ाइन करना पड़ता है। इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि कैबिनेट में प्राइम मिनिस्टर का सेंट्रल रोल है, और अगर प्राइम मिनिस्टर रिज़ाइन कर देते हैं तो पूरी कैबिनेट की एक तरह से डेथ हो जाती है। फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट, फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट के टॉपिक में सबसे पहला जो पॉइंट है वो है नॉमिनेशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। जो मोनार्क यानी कि किंग या क्वीन होते हैं वो मेजोरिटी पार्टी के जो लीडर होते हैं उन्हें फर्स्ट सेशन जो होता है हाउस ऑफ कॉमन का, उन्हें गवर्नमेंट बनाने की दावत देते हैं। लीगली अगर देखा जाए उनके तो मोनार्क के पास ये पावर होती है कि वो किसी भी लीडर को गवर्नमेंट बनाने की के लिए दावत दे दें, लेकिन कन्वेंशन ये बन गई है कि जो लीडर मेजोरिटी पार्टी का होता है उसे ही एज अ प्राइम मिनिस्टर के तौर पे क्वीन जो होती है गवर्नमेंट बनाने की दावत देती है। लेकिन क्वीन का रोल उस वक्त बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है जब क्वीन जो होती है जब किसी भी पार्टी ने मेजोरिटी हासिल नहीं की हो, यानी कि एक इलेक्शन में दोनों पार्टी ने मेजोरिटी हासिल नहीं की, तो क्वीन के पास ये राइट होता है कि वो किसी भी पार्टी को गवर्नमेंट बनाने की दावत दे। अगर देखा जाए तो जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज में से किसी एक हाउस से भी बिलोंग कर सकता है, लेकिन 1902 के बाद से जितने भी प्राइम मिनिस्टर्स आए हैं वो हाउस ऑफ द कॉमन से ही ताल्लुक़ रखते हैं। फिर उसके बाद आ जाता है सिलेक्शन ऑफ द मिनिस्टर्स। प्राइम मिनिस्टर का सबसे जो पहला और इम्पोर्टेंट टास्क होता है वो ये होता है कि मिनिस्टर्स की एक लिस्ट तैयार करें और रॉयल एसेंट हासिल करें गवर्नमेंट कैबिनेट बनाने के लिए, ये गवर्नमेंट बनाने के लिए। देखा जाए थियोरेटिकली तो मोनार्क के पास ये होती पावर होती है कि वो किसी भी मिनिस्टर्स को रिजेक्ट कर दिए और दूसरे मिनिस्टर को ऐड कर दे, लेकिन कन्वेंशन ये बन गई है कि प्राइम मिनिस्टर के जो प्राइम मिनिस्टर जो लिस्ट रॉयल एसेंट के लिए भेजता है किंग या क्वीन जो होता है उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। मेंबरशिप ऑफ द पार्लियामेंट, हर मेंबर के लिए, हर मिनिस्टर के लिए ज़रूरी होता है कि वो एक या तो यानी कि हाउस किसी भी हाउस ऑफ द पार्लियामेंट का मेंबर हो। अगर देखा जाए एक नॉन मेंबर को मिनिस्टर बना दिया जाता है तो
तो इसके लिए ज़रूरी है कि वो या तो उसे नॉमिनेट करवाया जाए एज अ पीयर हाउस ऑफ द लॉर्ड में से, या उसे बाय इलेक्शन जो 6 महीने के अंदर अंदर होते हैं उसे मिंबर ऑफ हाउस ऑफ द कॉमन इलेक्ट करवाया जाए। इस यानी कि कोई भी यानी कि पर्सन जो है या बगैर मेंबरशिप ऑफ इधर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट कैबिनेट का मेंबर नहीं बन सकता। रिप्रेजेंटेशन ऑफ बोथ चैम्बर्स, गवर्नमेंट में दोनों चैम्बर्स को नुमाइंदगी दी जाती है यानी कि रिप्रेजेंटेशन दी जाती है। देखा जाए तो तकरीबन 3 कैबिनेट रैंक जो मिनिस्टर्स होते हैं और 3 पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज जो होते हैं वो हाउस ऑफ द लॉर्ड्स होते हैं। अब देखा जाए तो रूल ऑफ 1957 के हिसाब से हाउस ऑफ द कॉमन के जो मेंबर्स हैं जो मिनिस्टर्स हैं उनकी तादाद 70 से ज़्यादा नहीं बढ़नी चाहिए। और अगर एक और पॉइंट जो है वो ये कि अगर ड्यूरिंग सेशन एक जो मिनिस्टर है वो अपने यानी कि जो हाउस की जो प्रोसीडिंग्स वगैरह हो रही हैं तो उस अपने जो प्रोसीडिंग वगैरह में जो होता है वो उसी हाउस को में जाके उसी हाउस में को मैं अपनी यानी कि पॉइंट ऑफ व्यू बताएगा या उसी हाउस में वो मिनिस्टर पार्टिसिपेट करेगा जिसका वो मेंबर है। अगर फॉर एग्जांपल देखा जाए एक डिपार्टमेंट के जो मिनिस्टर्स हैं उनका ताल्लुक हाउस ऑफ द कॉमन से है तो वो हाउस ऑफ द कॉमन्स के जो सेशन को अटेंड करेंगे, और जो उनके जो अंडर सेक्रेटरी होंगे वो हाउस ऑफ द लॉर्ड में अपने डिपार्टमेंट को रिप्रेजेंट करेंगे। टोटल स्ट्रेंथ जो होती है उस यानी कि उसके बारे में जो भी डिसीजन वगैरह लिया जाता है वो प्राइम मिनिस्टर्स ही लेते हैं, यानी कि कैबिनेट की तादाद कितनी हो, कितने मिनिस्टर को कैबिनेट रैंक में मिनिस्टर में शामिल किया जाए और कितनों किस किस को ना किया जाए, ये सारे के सारा जो होता है डिसीजन मेकिंग जो होती है ये प्राइम मिनिस्टर की होती है। अगर हम देखें तो जो पिछली जो सेंचुरी गुजरी है उसके में मिनिस्टर की तादाद बहुत कैबिनेट मिनिस्टर की तादाद बहुत कम थी, लेकिन 1800 देखा जाए लेकिन 1945 के बाद जो है मिनिस्टर्स की तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि एज अ वेलफेयर स्टेट का जब कॉन्सेप्ट आया है तो स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ गई हैं, तो इसकी वजह से जो कैबिनेट के मिनिस्टर्स हैं उनकी तादाद भी बढ़ गई है। रॉयल अप्रूवल यानी कि जब प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो एक प्राइम मिनिस्टर की लिस्ट तैयार कर लेते हैं तो इसे रॉयल असेंट के लिए सबमिट कर दिया जाता है। लीगली देखा जाए तो क्वीन के पास या किंग के पास ये राइट होता है वो किसी भी मिनिस्टर्स को रिजेक्ट कर दे और दूसरे मिनिस्टर की सजेशन दे दे इंक्लूड करने के लिए, लेकिन ये कन्वेंशन डेवलप हो गई है क्योंकि कैबिनेट जो रिस्पॉन्सिबल की कन्वेंशन की ये डेवलप हो गई है कि क्वीन जो होती है वो रॉयल असेंट दे देती है बगैर किसी सजेशंस के, ताकि प्राइम मिनिस्टर अपनी टीम को बना सके और अपने कंट्री को बेहतर तरीके से सर्व कर सके। कैबिनेट एट वर्क में जो सबसे पहला पॉइंट है वो है मीटिंग्स में। कैबिनेट की यानी कि जो मीटिंग्स हैं वो वीक में एक या दो दो दफ़ा बुलाई जाती हैं, लेकिन जो स्पेशल मीटिंग्स है वो मुख्तलिफ देखा जाए इंसिडेंट्स के हवाले से मुख्तलिफ डेवलपमेंट के हिसाब से वक्त के हिसाब से बुलाई जा सकती हैं। जो कैबिनेट की मीटिंग है उन्हें प्रिसाइड प्राइम मिनिस्टर कहते हैं जिनका बड़ा डोमिनेंट रोल होता है, और जितने भी फैसले वगैरह कैबिनेट में लिए जाते हैं वो डिसीजन मेकिंग से लिए जाते हैं, और उनके जो इम्पोर्टेंट जो मैटर्स हैं उनके ऊपर वोटिंग वगैरह भी होती है। लेकिन जो ख़ास बात यह है कि प्राइम मिनिस्टर जो कैबिनेट की मेजोरिटी के डिसीजन को फॉलो करने के पाबंद नहीं होते। इनर कैबिनेट से मुराद ये है कि जितने भी इम्पोर्टेंट पॉलिसी डिसीजंस होती हैं
उस तो प्राइम मिनिस्टर जो उन तो प्रोमिनेंट जो कलीग होते हैं उनसे उनके उनके साथ एक स्पेशल मीटिंग्स वगैरह करते हैं। इस तरीके से वो उनके साथ क्लोज कांटेक्ट में रहते हैं, जिसके जिसको इनर कैबिनेट की का टर्म कब दिया कल जिसे इनर कैबिनेट कहा गया है, यानी कि जो टर्म यूज़ की गई है इनर कैबिनेट की गई है। इस तरीके से इनर सर्किल की वजह से वो डिसीजन मेकिंग में फर्म ग्रिप रखते हैं, और जो दूसरे मिनिस्टर्स होते हैं कैबिनेट के वो सिंपली कॉपरेट करते हैं, जो प्री डिसाइडेड लाइंस होती हैं प्राइम मिनिस्टर्स की और इनके जो कोलीग्स की प्री डिसाइडेड लाइंस होती हैं उनमें से कॉपरेशन का रोल कॉपरेट करते हैं और उसे फॉलो करते हैं। कमेटीज ऑफ द कैबिनेट, यानी कि कैबिनेट को फैसिलिटेट करने के लिए मुख्तलिफ कमेटीज़ वगैरह बनाई जाती हैं, जिनका रोल और जिम्मेदारी ये जो होती है वो प्राइम मिनिस्टर डिटरमिन करते हैं। देन जो नेम होते हैं मेंबर्स के मुख्तलिफ कैबिनेट के वो सीक्रेट रखे जाते हैं। जो मिनिस्टर्स होते हैं रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट के वो ही स्पेसिफिक कमेटी को प्रिसाइड करते हैं। जो कमेटी होती है कोई भी मैटर को अच्छे के बारे में अच्छी तरीके से इंफॉर्मेशन हासिल करने के बारे में जो रिपोर्ट बनाती है वो कैबिनेट को पेश करती है, और कैबिनेट फैसला करती है कि अब जो सही कैबिनेट के पास ये पावर होती है कि वो क्या इस मीटिंग की में जो जो रिपोर्ट है उसे रिजेक्ट कर दें या उसे एक्सेप्ट करके उसके ऊपर पॉलिसी बनाएं। सेक्रेटेरिएट, कैबिनेट के अंदर देखा जाए 1916 से ही एक कैबिनेट सेक्रेटेरिएट बनाया गया है। कैबिनेट सेक्रेटेरिएट का काम ये होता है कि वो कैबिनेट मीटिंग का एजेंडा तैयार करता है, मिनिस्टर्स को स्केड्यूल के बारे में इन्फॉर्म करता है, और उसके जिसमें इस तरीके से मिनिस्टर जो होता है वो फुल अपनी तरफ से तैयारी कर लेता है कि डिस्कशन में जो इशू है उसके बारे में जो डिस्कशन करनी है, जिस एजेंडा के ऊपर डिस्कशन करनी है उसके बारे में वो सारी की सारी प्रिपरेशन कर लेता है। सेक्रेटरी जो होता है सेक्रेटरी का कैबिनेट मीटिंग को अटेंड करता है, उसकी मीटिंग में जो मिनट्स वगैरह होते हैं वो तैयार किए जाते हैं। सेक्रेटरी जो होता है वो डिफरेंट मिनिस्ट्रीज में कोऑर्डिनेट का भी काम करता है, और मुख्तलिफ कमेटीज़ के उनके फंक्शन परफॉर्म करने में भी हेल्प करता है। शेडो कैबिनेट, डेमोक्रेसी में अपोजिशन के का बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है। अपोजिशन के बगैर कोई भी अपोजिशन के बगैर डेमोक्रेसी सही तरीके से वर्क नहीं कर सकती। अपोजिशन गवर्नमेंट के पॉलिसीज़ के ऊपर नज़र रखती है, उनकी जो फ्लॉज़ वगैरह हैं उनके ऊपर क्रिटिसिज्म करती है। इसके अलावा ब्रिटिश में इस पार्लियामेंट्री सिस्टम में ओपोजिशन एज ए सब्स्टिट्यूट गवर्नमेंट का रोल भी परफॉर्म करती है। फॉर एग्जांपल, अगर गवर्नमेंट फेल हो जाती है से अपना रोल परफॉर्म करने में, तो क्या जो ओपोजिशन होती है तो ये अपॉर्चुनिटी फ्राहम करती है कि वो न्यू गवर्नमेंट बना सके। इस तरीके से जो है वो शेडो कैबिनेट का सर्कल वजूद में आता है। जो लीडर ऑफ द शेडो कैबिनेट जो होते हैं वो ओपोजिशन के लीडर होते हैं जो प्राइम मिनिस्टर के सब्स्टिट्यूट होते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से जो मेंबर्स ऑफ द कैबिनेट शेडो कैबिनेट होते हैं वो मिनिस्टर्स होते हैं जिनके बारे में पता होता है कि इन्होंने गवर्नमेंट के जो मिनिस्टर्स को होता है उनको रिप्लेस करना है या उनको सब्स्टिट्यूट करना है। इस तरीके से जो मिनिस्टर्स होते हैं उन्हें अपने काउंटर पार्ट्स होते हैं ऑफ शेडो कैबिनेट जो होते हैं उनकी क्रिटिसिज्म का शदीद सामना करना पड़ता है। इस तरीके से वो बड़े हम कह सकते हैं कि एक्टिव रहते हैं और अपने पॉलिसीज़ वगैरह को डिफेंड करते हैं। रोल ऑफ द कैबिनेट, कैबिनेट का जो रोल है देखा जाए उसकी पावर्स जो हैं पिछली कई दहाइयों से बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। उसका रोल ना सिर्फ एग्जीक्यूशन ऑफ लॉ है बल्कि इसका लेजिस्लेशन के ऊपर भी फुली ग्रिप हासिल है। कुछ जो पावर्स हैं कैबिनेट की वो हम डिस्कस कर लेते हैं। इसमें है एग्जेक्टिव पावर्स। कैबिनेट
कैबिनेट देखा जाए तो रियल एग्जेक्टिव पावर्स होती हैं, जो क्राउन की जो पावर्स हैं वो कैबिनेट यूज़ करती है, एग्जेक्टिव पावर जो क्राउन की जो एग्जेक्टिव पावर्स हैं वो कैबिनेट यूज़ करती हैं, जितने भी उसे कह सकते हैं कि जो इम्पोर्टेंट फंक्शंस होते हैं कैबिनेट के, वो होते हैं फॉर्मुलेशन एंड एग्जीक्यूशन ऑफ पॉलिसीज़। जो हर मेंबर होता है कैबिनेट का वो एक इम्पोर्टेंट पोर्टफोलियो यानी कि इम्पोर्टेंट मिनिस्ट्री का हेड भी होता है, वो अपने डिपार्टमेंट के वर्क को भी सुपरवाइज करता है, इस तरीके से उनके दरम्यान कोऑर्डिनेशन भी कायम होती है। कैबिनेट जो होती है वो अकाउंटेबल होती है पार्लियामेंट को अपने तमाम एडमिनिस्ट्रेशन वर्क के लिए। दूसरा पॉइंट जो मैं मिस कर गया हूँ स्लाइड में, मैं लिखना बोल गया हूँ, वो है रोल इन लेजिस्लेशन। कैबिनेट का जो रोल है लेजिस्लेशन में वो भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल है, यानी कि इसकी बड़ी वजह ये है कि जो क्वीन जिन्हें गवर्नमेंट बनाने की दावत देती है वो मेजोरिटी लीडर के मेजोरिटी पार्टी के लीडर होते हैं। इस वजह से कैबिनेट को हाउस ऑफ द कॉमन में मेजोरिटी की अपनी मेजोरिटी पार्टी की पार्लियामेंट हाउस ऑफ द कॉमन में सपोर्ट हासिल होती है, इसी वजह से वो किसी किस्म का भी लेजिस्लेटिव जो बिल है आसानी से पास करवा सकते हैं। इसके अलावा इनके पास जो रूल ऑफ प्रोसीजर और डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का जो पावर्स होती हैं उसकी वजह से भी जो कैबिनेट का रोल है वो लेजिस्लेशन में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। कंट्रोल ओवर फाइनेंस, कंट्रोल ओवर फाइनेंस में हम ये कह सकते हैं कि कैबिनेट के फर्म ग्रिप होती है नेशनल एक्सचेकर के ऊपर, क्योंकि जो चांसलर ऑफ एक्सचेकर होता है वो कैबिनेट का बड़ा इम्पोर्टेंट मेंबर होता है। अगर देखा जाए कैबिनेट जो होती है उसके पास ये पावर होती है कि वो डिसाइड करे कि इनकम एक्सपेंडिचर्स के ऊपर कितना खर्च करना है कितना नहीं करना। इसके अलावा कैबिनेट को मेजो सपोर्ट हासिल होती है पार्लियामेंट मेजोरिटी की, इसी वजह से वो अपना आसानी से फिस्कल पॉलिसी जो है वो उसे सक्सेसफुली जो है उसे पास करवा लेती है पार्लियामेंट से। लेकिन अगर किसी वजह से गवर्नमेंट जो है अपना बजट पास करवाने में नाकाम हो जाए तो इसका मतलब ये है कि उसे पार्लियामेंट में मेजोरिटी की सपोर्ट हासिल नहीं रही, तो इसे रिज़ाइन करना पड़ता है। जुडिशल पावर्स, देखा जाए तो कैबिनेट के पास कुछ जुडिशल पावर्स भी हासिल हैं। कैबिनेट को दी हेड ऑफ जो जुडिशल इस्टेब्लिशमेंट के जो हेड होते हैं लॉर्ड चांसलर, वो कैबिनेट के बड़े इंपॉर्टेंट मेंबर्स होते हैं। कैबिनेट जो होती है वो पॉलिसी बनाती है अबाउट जुडिशल इस्टेब्लिशमेंट के जुडिशल इस्टेब्लिशमेंट के पावर की जुडिश यानी कि जजेस की तादाद कितनी होगी, और जजेस की अपॉइंटमेंट जो होती है वो जो क्वीन जो अपॉइंटमेंट करती हैं जजेस की वो कैबिनेट की रिक्वेस्ट के ऊपर करती हैं। उसके अलावा जितने भी लोगों को कुछ लोगों को फॉर एग्जांपल सज़ा माफ़ करनी हो या सज़ा में चेंजेस वगैरह करनी हो तो वो भी क्वीन कैबिनेट की रिक्वेस्ट के ऊपर करती है। इसी के हम कह सकते हैं कि कैबिनेट के पास जुडिशल पावर्स भी होती हैं। डिक्टेटरशिप ऑफ द कैबिनेट, एक ये ख्याल आजकल ये ख्याल किया जाता है कि कैबिनेट जो ब्रिटिश कैबिनेट है उसके पास डिक्टोरियल पावर्स होती हैं, क्योंकि उसके पास एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव पावर्स भी होती हैं। लेकिन लेकिन अकाउंटेबिलिटी लेकिन हम ये कह सकते हैं अकाउंटेबिलिटी पार्लियामेंट की अकाउंटेबिलिटी होने के बावजूद वो जो है पेरेंट बॉडी यानी कि पार्लियामेंट को जो है वो गाइड भी करती है कंट्रोल भी करती है। इसकी कुछ वजूहात वो हम डिस्कस करेंगे, वो यानी कि पहला जो पॉइंट है डिक्टेटरशिप ऑफ द कैबिनेट में वो आता है पार्टी डिसिप्लिन का। पार्टी डिसिप्लिन में हम ये कह सकते हैं कि जो गवर्नमेंट जो मेजोरिटी पार्टी के जो लीडर जब वो गवर्नमेंट बनाते हैं तो इनका
कंट्रोल होता है पार्लियामेंट के जितने भी अपनी पार्टी के जितने भी मेंबर्स हैं उनके ऊपर, तो जितने भी उसके पार्टी के जो लीडर्स मिनिस्टर्स हैं, जो पार्टी के मेंबर्स हैं, जो पार्लियामेंट में या हाउस ऑफ द कॉमन में, वो अपनी जो लीडर को मुकम्मल सपोर्ट फ्राहम करते हैं। और हॉर्स अब वक्त के साथ साथ जो हॉर्स ट्रेडिंग है वो तक, यानी कि पहले जो हॉर्स ट्रेडिंग होती थी वो अब बिल्कुल ख़त्म हो गई है। और जो मिनिस्टर यानी कि हॉर्स ट्रेडिंग वगैरह करता है तो उसको यानी कि कोई भी वैल्यू नहीं जाती, यानी कि अपना कैरियर ख़त्म कर देता है। इसकी वजह से भी जो है पार्टी डिसिप्लिन स्ट्रॉन्ग हुआ है, और पार्टी डिसिप्लिन स्ट्रॉन्ग होने की वजह से कैबिनेट की डोमिनेंसी बढ़ गई है। कैबिनेट की डोमिनेंसी बढ़ने की वजह से जो कैबिनेट जो होता है किसी किस्म के भी लेजिस्लेशन जो पास करवाना चाहते हैं वो पास करवा लेते हैं। रूल ऑफ द प्रोसीजर, रूल ऑफ द प्रोसीजर में हम ये कह सकते हैं कि जो ज़्यादातर जो हाउस ऑफ द कॉमन या पार्लियामेंट में जो वक्त होता है वो कैबिनेट ही कंज्यूम कर लेती है। जितने भी फॉर एग्जांपल जितने भी बिल पास होने होते हैं, जितने भी लॉज वगैरह पास होने वो ज़्यादातर तो गवर्नमेंट की साइड से होते हैं। इस तरीके से वो तकरीबन 90% टाइम तो इसी तरीके से ले लेते हैं। इसके अलावा जो बाकी 10% टाइम भी बचता है उसमें भी जो गवर्नमेंट की तरफ से बिल वगैरह पेश किए जाते हैं उनके ऊपर डिस्कशन वगैरह या उनके स्केड्यूल्स वगैरह के ऊपर ही लग जाता है। इस तरीके से कैबिनेट को बहुत ज़्यादा पावर्स हासिल हो गए हैं। इनका उनको ये पॉइंट भी उनकी डिक्टेटरशिप में, कैबिनेट की डिक्टेटरशिप में इजाफा करने का बायस बना है, पावर्स में इजाफा करने का बायस बना है। फिस्कल कंट्रोल, फाइनेंस जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट एज ए वेपन के तौर पर इस्तेमाल होता है, कि जो कैबिनेट मुख्य पॉलिसीज को इफेक्टिवली कंट्रोल इम्प्लीमेंट करने के लिए एक कैबिनेट जो जो होती है वो, यानी कि फाइनेंस जो है वो, क्योंकि फाइनेंस जो मिनिस्टर होते हैं जो नेशनल एक्सचेकर होते हैं वो कैबिनेट के मेंबर्स होते हैं। इस तरीके से वो आसानी से कोई भी फाइनेंशियल बिल आसानी से पास करवा सकते हैं, क्योंकि उन्हें हाउस ऑफ द पार्लियामेंट में, हाउस ऑफ द कॉमन में मेजोरिटी पार्टी की, अपनी मेजोरिटी पार्टी की सपोर्ट हासिल होती है। अगर हम देखा जाए अमेरिका में जो प्रेसिडेंट को उस वक्त मुश्किलात का सामना करना पड़ता है जब वो सेनेट में अपोजिशन जो उसकी अपोजिट पार्टी के जो सेनेटर्स की तरह ज़्यादा हो, तो प्रेसिडेंट को जो अपनी मर्ज़ी से बिल वगैरह जो होते हैं मनी बिल वगैरह वो पास करवा नहीं सकते। फिस्कल कंट्रोल में हम ये कह सकते हैं कि जितने भी कंट्रोल ऑफ और फाइनेंस जो है उसकी वजह से कैबिनेट की पावर्स में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है, क्योंकि भी पार्टी को मेजोरिटी पार्टी जो होती है पार्टी को मेजोरिटी पार्टी जो होती है कैबिनेट को मेजोरिटी पार्टी की सपोर्ट हासिल होती है। इसकी वजह से वो किसी किस्म का भी मनी बिल पास करवा देते हैं। जबकि अगर हम अमेरिकन प्रेसिडेंट को देखें तो उसे अमेरिकन प्रेसिडेंसी में उसे उस मुश्किलात का सामना करना पड़ता है जब ओपोजिशन या राइवल पॉलिटिकल पार्टीज सेनेट में या कांग्रेस में मेजोरिटी में मौजूद हों, तो वो अपना ओरिजिनल बिल पास नहीं करवा सकते या उन्हें बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ता है। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, लेजिस्लेटिव रोल जो है कैबिनेट का वो सिर्फ पार्लियामेंट तक महदूद नहीं है। हम ये कह सकते हैं कि जितने भी रूल्स और रेगुलेशंस हैं जो मुख्तलिफ स्टैट्यूज के इम्प्लीमेंटेशन के लिए बहुत ज़रूरी हैं, इन्फोर्समेंट के लिए बहुत ज़रूरी हैं, तो उसके ऊपर भी मुख्तलिफ किस्म के ये रूल्स एंड रेगुलेशंस वगैरह बनाते हैं। स्टैचूज जो होते हैं वो देखा जाए वो बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं जो कंसर्न एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट्स के लिए बनाए जाते हैं, लेकिन जब उन डिपार्टमेंट के जो हेड्स होते हैं उन स्टैचूज को इंटरप्रेट करते हैं तो इस तरीके से वो ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट फ्रेंडली होते हैं। इस तरीके से भी जो देखा जाए तो कैबिनेट जो होती है उसके पावर्स में इजाफा होता है, यानी कि जितने भी स्टैचूज हैं उनकी इंटरप्रिटेशन जो डिपार्टमेंट के जो मिनिस्टर्स हैं वो एज अ
फ्रेंडली टू गवर्नमेंट होते हैं करते हैं, यानी कि इंटरप्रिटेशन ये करते हैं जो वो ज़्यादा से ज़्यादा इंटरप्रिटेशन करते हैं जो गवर्नमेंट से ज़्यादा फ्रेंडली हो या गवर्नमेंट के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करती हो। इस तरीके से भी उनकी पावर में इजाफा होता है, कैबिनेट की पावर में इजाफा होता है। इंक्रीज स्टेट एक्टिविटी, मॉडर्न वेलफेयर कॉन्सेप्ट की वजह से स्टेट एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, जिसकी वजह से कैबिनेट का रोल भी बढ़ गया है। एज ए एडमिनिस्ट्रेटिव हेड जो है देखा जाए, जो कैबिनेट है वो बहुत ज़्यादा अपनी पावर्स जो है उसे कैब बहुत ज़्यादा अपनी पावर्स को यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ने की वजह से कैबिनेट की पावर्स में भी इजाफा हुआ है। अब जो हमारा दूसरा टॉपिक है जो कैबिनेट से बहुत ज़्यादा रिलेट करता है वो है द प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर के इंट्रोडक्शन में हम ये कह सकते हैं कि प्राइम मिनिस्टर को कैबिनेट में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पोजीशन हासिल है। देखा जाए अगर प्रैक्टिस में तमाम मिनिस्टर्स इक्वल हैं तो प्राइम मिनिस्टर को बहुत ज़्यादा पावर हासिल है दूसरे मिनिस्टर के हिसाब के मुकाबले में। वो किस लिए? वो इसलिए कि वो कैबिनेट की मीटिंग को प्रिसाइड करते हैं, वो लीडर ऑफ द पार्टी होते हैं, लीडर ऑफ द हाउस ऑफ द लीडर ऑफ द हाउस होते हैं, वो कैबिनेट चीफ होते हैं। इसके अलावा वो जो मुख्तलिफ मिनिस्टर्स को जो हैं उनके गाइडलाइन इंस्ट्रक्शंस फ्राहम करते हैं, और इसके अलावा मुख्तलिफ मिनिस्टर के दरमियान कोऑर्डिनेशन काम करते हैं। अगर इस तरीके से इनका जो रोल है वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है और ये कैबिनेट में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल परफॉर्म करते हैं। अगर फॉर एग्जांपल प्राइम मिनिस्टर रिज़ाइन कर जाएं तो कैबिनेट को भी रिज़ाइन करना पड़ता है। ओरिजन, तो अगर दूसरे ओरिजन में हम ये कह सकते हैं कि जितने भी दूसरे स्टेट इंस्टीट्यूशंस हैं, इंग्लिश इंस्टीट्यूशंस हैं, इस जिस तरह उनकी एवोल्यूशनरी ग्रोथ हुई बिल्कुल इसी तरीके से प्राइम मिनिस्टर का जो ऑफिस है उसकी भी एवोल्यूशनरी ग्रोथ हुई। इनकी एवोल्यूशनरी ग्रोथ का पीरियड जॉर्ज वन के दौर में शुरू होता है, जब उन्होंने कैबिनेट की मीटिंग प्रेजाइड करना छोड़ दी। तो उस वक्त जो सीनियर मिनिस्टर थे सर रॉबर्ट वॉलपोल, उनने यानी कि देखा जाए सीनियर मिनिस्टर्स ने कैबिनेट मीटिंग प्रेजाइड करना शुरू कर दी। अगर हिस्ट्री में देखा जाए तो सर रॉबर्ट जो वॉलपोल थे वो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर नज़र आते हैं। जो टर्म फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जो है वो 1878 में यूज़ हुई, और इसको जो है और आर्टिकल्स ऑफ ट्रीटी ऑफ बर्लिन में इसे शामिल किया गया, इसे लीगली रिकॉग्नाइज किया गया है इन 1937 एक्ट में, जिसमें प्राइम मिनिस्टर की सैलरीज वगैरह को फिक्स किया गया है। पोजीशन इन द गवर्नमेंट, प्राइम मिनिस्टर का हम बता सकते हैं कि एक डोमिनेंट रोल होता है कैबिनेट में, और तमाम मशीनरी जो कैबिनेट के रिवॉल्व करती है अराउंड हिम, यानी कि जितनी भी मशीनरी जो गवर्नमेंट की है कैबिनेट के गिर्द जो रिवॉल्व करती है उसके और कैबिनेट के में जो है बड़ा इंपॉर्टेंट रोल परफॉर्म करते हैं प्राइम मिनिस्टर। इसमें आ जाते हैं इसके जो सब पॉइंट्स हैं वो आ जाते हैं एज ए कैबिनेट चीफ। एज देखा जाए तो कैबिनेट हेड के तौर पर प्राइम मिनिस्टर सुपरवाइज करते हैं और कोऑर्डिनेट करते हैं मुस्लिम मिनिस्टर के वर्क को, वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल परफॉर्म करते हैं द फॉर्मेशन और वर्किंग ऑफ द कैबिनेट के में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल परफॉर्म करते हैं। इनकी ओपिनियन कैबिनेट में बड़े वजन की अहमियत वजन वाली यानी कि कह सकते हैं उनका इज ओपिनियन कैट इज वेट इन कैबिनेट मीटिंग। और फिर इसके अलावा हम भी ये कह सकते हैं कि देखा जाए तो प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट जो मेंबर्स हैं उनके दरमियान जो ताल्लुक होता है या कैबिनेट के कोलीग्स के दरमियान जो ताल्लुक एज अ बॉस टू सबॉर्डिनेट नहीं होता, लेकिन फिर भी वो इस जो है वो अपनी अपना जो है अपनी ओपिनियन को इंटरेस्टेड अपनी ओपिनियन को कैबिनेट के ऊपर इम्पोज कर सकते हैं, अपनी मर्जी से फैसला कर सकते हैं। इसके कुछ एग्जांपल हम ये ले लेते हैं कि मिस्टर इडन ने, अगर हम देखा जाए तो ये कह सकते हैं कि मिस्टर इडन ने 1954 में
फ्रेंच गवर्नमेंट के साथ यानी कि कोलैबोरेशन करके इजिप्ट पे हमला किया था, क्योंकि उन्हें, लेकिन उस वक्त क्या था, उन्हें फील हो रहा था कि उन्हें कैबिनेट की सपोर्ट हासिल नहीं होगी, इसी वजह से उन्होंने अपनी तरफ से ही फैसला ले लिया था। एज अ कैबिनेट चीफ मिनिस्टर, हम ये कह सकते हैं कि जो प्राइम मिनिस्टर जो थे, प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं वो सुपरवाइज़ करते हैं और कोऑर्डिनेट करते हैं डिफरेंट मिनिस्ट्रीज़ के वर्क को। उनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है कैबिनेट के फॉर्मेशन में, उनके वर्किंग में, उनकी ओपिनियन की बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है, और वो कैबिनेट की मीटिंग के दरमियान और उनकी वो ओपिनियन को के हिसाब से ही ज़्यादातर जो डिसीजन मेकिंग होती है कैबिनेट में। एज ए लीडर ऑफ द हाउस, एज लीडर ऑफ द हाउस हम ये कह सकते हैं कि कैबिनेट जो जो प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं वो मेजोरिटी पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं हाउस ऑफ द कॉमन में। जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं उनका जो वो रोल जो होता है वो रोल ऑफ द लीडर का होता है। जितने भी इंपॉर्टेंट पॉलिसी स्टेटमेंट होती हैं और ड्यूरिंग द सेशन जो हम कह सकते हैं पार्लियामेंट जो जब ड्यूरिंग द सेशन ऑफ पार्लियामेंट जो होता है वो अपोजिशन लीडर्स के साथ रबते में रहते हैं, और जितने भी हाउस ऑफ द जितने भी पार्लियामेंट के जो सेशन के हवाले से जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होती हैं वो उनको बनाया जाता है। प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे ही क्वीन जो है वो इसी के यानी कि प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे ही जो क्वीन होती हैं वो पार्लियामेंट का जो इजलास है वो उसे डिसॉल्व करती हैं या उसे बुलाती हैं या उस या फॉर एग्जांपल जितने भी देखा जाए, यानी कि कहने का मतलब मेरा ये है कि प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे ही क्वीन समन करती है पार्लियामेंट का इजलास और उसे डिसॉल्व करती है। एज लीडर ऑफ द हाउस उसे यानी कि बहुत ज़्यादा स्पेशल प्रिविलेजेस दी जाती हैं हाउस के फ्लोर के ऊपर, और जितने भी उसके मेंबर्स होते हैं यानी कि हाउस के जो इसकी पार्टी के जो मेंबर्स होते हैं वो इसकी गाइडेंस और के मुंतजिर होते हैं इसकी यानी कि, और इसके अलावा जो जो व्हिप्स जो होते हैं पार्टी के व्हिप्स जो होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर को असिस्ट करते हैं मेंटेनिंग किसके डिसिप्लिन विद इन द पार्टी लाइंस, यानी कि पार्टी के अंदर डिसिप्लिन काम करने में जो पार्टी व्हिप्स होते हैं वो उसकी हेल्प करते हैं प्राइम मिनिस्टर के। एज अ नेशनल लीडर के तौर पे अगर हम देखें जो लीडर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो ना सिर्फ पार्लियामेंट के लीडर होते हैं बल्कि उनकी वो नेशनल लीडर भी होते हैं। इनकी ओपिनियन जो होती है नेशनल इश्यूज़ के ऊपर वो ज़्यादा अहमियत की हामिल होती है। इनके स्टेटमेंट्स और स्पीचेस जो होती हैं वो पब्लिक ओपिनियन को मोल्ड करने में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल परफॉर्म करती हैं। इनकी यानी कि प्राइम मिनिस्टर की पॉपुलैरिटी जो होती है वो किसी भी पार्टी के जीतने या में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल परफॉर्म करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल जो कंजर्वेटिव पार्टीज जो 1980s में इलेक्शन जीती थी वो क्रिस्मेटिक पर्सनैलिटी मार्गरेट थ्रेचर जो आयरन लेडी के नाम से जानी जाती थी उनकी क्रिस्मेटिक पर्सनैलिटी की वजह से ही इलेक्शन जीती थी। लिंक बिटवीन द क्वीन एंड द कैबिनेट, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं वो कैबिनेट और क्वीन के दरमियान लिंक का भी काम करते हैं। वो क्वीन या किंग को कैबिनेट के इम्पोर्टेंट डिसीजन के बारे में बताते हैं। थियोरेटिकली देखा जाए तो हर मिनिस्टर कैबिनेट के तक यानी कि हर मिनिस्टर जो होता है वो क्वीन तक रसाई हासिल कर सकता है, लेकिन प्रैक्टिकली ये प्राइम मिनिस्टर की जिम्मेदारी होती है कि वो एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स के बारे में क्वीन को या किंग को इन्फॉर्म करता रहे। इस तरीके से प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं किंग और यानी कि क्वीन और कैबिनेट के दरमियान लिंक का भी काम करते हैं। कंडक्ट ऑफ फॉरेन अफेयर्स, प्राइम मिनिस्टर की जो ओपिनियन है वो स्पेशल वेट रखती है फॉरेन अफेयर्स में। जो सेक्रेटरी ऑफ फॉरेन अफेयर्स होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर से रबते में रहते हैं, मुसलसल रबते में रहते हैं। प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं वो कंट्रीज के को रिप्रेजेंट करते हैं इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस में। फॉर एग्ज़ाम्पल हम हिस्ट्री में देखें तो
लॉर्ड बेकनफील्ड जो थे उन्होंने बर्लिन कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया था, लॉर्ड जॉर्ज ने पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया था, और जो मिस्टर चर्चिल थे वो तकरीबन 6 दफ़ा प्रेसिडेंट अमेरिकन प्रेसिडेंट रोजवेल्ट से मिले, और 2 दफ़ा तकरीबन USSR के जो लीडर थे स्टालिन उनसे मुलाकात की World War II के दौरान। कंक्लूजन में हम ये कह सकते हैं कि कैबिनेट के एक्सटेंशन यानी कि कैबिनेट के फंक्शन में जो एक्सटेंशन हुई है उसके साथ साथ, यानी कि कैबिनेट के फंक्शन में जो इजाफा हुआ है इसके साथ साथ प्राइम मिनिस्टर का रोल भी बहुत ज़्यादा डोमिनेट हो गया है। इनका रोल अगर देखा जाए तो ये कहना कम नहीं होगा कि इनका रोल यूनाइटेड स्टेट के प्रेसिडेंट से ज़्यादा इनकी पोजीशन है, यानी कि इनका रोल जो है कैबिनेट, इनका रोल प्रेसिडेंट यूनाइटेड स्टेट के प्रेसिडेंट के हिसाब से ज़्यादा डोमिनेट नज़र आता है। लेकिन लेकिन एक जो पॉइंट जो सबसे हम नोट करने वाला वो ये है कि प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर का ये जो पोजीशन है इसको मुख्तलिफ डोमिनेट डोमिनेट जो फिगर्स होती हैं वो भी इसे बहुत ज़्यादा वैल्यू वैल्यूएबल बना देती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जो प्रेमरशिप जो थी कैलिबर लाइक चर्चिल जैसे लोगों की वजह से, ग्लैडस्टोन, डिसराइली जैसे प्राइम मिनिस्टर की वजह से, इस जो प्राइम मिनिस्टर की जो पोजीशन है जो वो बहुत ज़्यादा एज अ नेशनल लीडर जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। इसके अलावा हम ये भी कह सकते हैं कि प्राइम मिनिस्टर की जो पर्सनैलिटी है वो इलेक्शन जीतने में भी बड़ा इम्पोर्टेंट रोल परफॉर्म करती है। जैसे कि हमने बताया है कि मार्गरेट थैचर जो थी वो अपनी पॉपुलैरिटी की वजह से ही कंजर्वेटिव पार्टी को दोबारा इलेक्शन जीतवाने में कामयाब हुई। दोस्तों ये था हमारा आज का टॉपिक। अगर आपको इसके बारे में कोई क्वेश्चन हो, कोई बात समझ आई हो तो काइंडली कमेंट कर दें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो काइंडली मेरे काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। शुक्रिया।